फैंस के लिए सबसे शॉकिंग खबर तब होती है जब उनका फेवरेट स्टार इस दुनिया को अलविदा कह जाता है, और सबसे ज्यादा बुरा तो उन्हें तब लगता है जब उनके फेवरेट एक्टर ने सुसाइड किया हो। और ऐसा ही देखने को मिला साउथ इंडस्ट्री में, जहां साउथ की मशहूर एक्ट्रेस और वीजे चित्रा आज सुबह एक होटल के रूम में मृत पाई गई। वीजे चित्रा की उम्र महज 28 साल थी। रिपोर्ट्स के अनुसार ईवीपी फिल्म सिटी में वीजे चित्रा ने मंगलवार देर रात शूटिंग की थी। फिर शूटिंग के बाद उन्होंने अपने होटल के रूम में भी चेक इन किया था। तब वो होटल में अपने मंगेतर के साथ ही रह रही थी। पुलिस को दिए अपने बयान में हेमंत ने बताया कि होटल में आने के बाद चित्रा ने कहा कि वो नहाने जा रही हैं, लेकिन काफी वक्त तक वो ना ही रूम से बाहर निकली और ना ही कोई प्रतिक्रिया दी, जिसके बाद हेमंत ने होटल के स्टाफ को इसके बारे में बताया। तब डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोला गया तो देखा कि सीलिंग से उनका शव लटक रहा है, जिसके बाद तुरंत होटल मैनेजमेंट ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी। बता दें कि घटना स्थल पर पहुंचने के बाद अपनी शुरुआती जांच में पुलिस ने इसे सुसाइड केस बताया है। वहीं चित्रा की मौत का पता चलने के बाद पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। फैंस ट्वीट कर कह रहे हैं कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि चित्रा ने सुसाइड कर लिया और अब इस दुनिया में नहीं है। चित्रा के एक्टिंग करियर की बात करें तो उन्हें सीरियल पांडियन स्टोर्स के लिए जाना जाता है, जिसमें वे लंबे वक्त से उस सीरियल में मुलई का किरदार निभा रही थीं। इस सीरियल से उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि उनके फैंस उन्हें उनके असली नाम की बजाय मुलई के नाम से जानते थे। लेकिन अफसोस, अब उस बेहतरीन अदाकार और विजय का निधन हो चुका है। चित्रा ने इस साल अगस्त में बिजनेसमैन हेमंत रवि से सगाई की थी और वो अपने इस रिश्ते से काफी खुश थी, लेकिन सब कुछ इतना अच्छा चलने के बावजूद चित्रा की मौत ने सबको असमंजस में डाल दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक्ट्रेस की मौत को लेकर उनके परिजनों की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। साथ ही उनके मंगेतर हेमंत ने भी इस बारे में कोई बात नहीं कही। बहरहाल ये तो अभी साफ नहीं हो पाया है कि चित्रा ने सुसाइड किया है या उन्हें किसी साजिश के तहत मारा गया है, लेकिन इस तरह उनका यूं मौत की आगोश में समा जाना उनके परिजनों और चाहने वालों के लिए बहुत ही दुख की बात है।